उस अंचल के वीवीपैट मोबाइल नीचे करो भाई शांत तो जो है उनकी पेपर स्लिप की गिनती हो और उदाहरण के लिए कोई सभी क्षेत्र देख ले उस पर और वो सुरक्षित रहे जब तक क्योंकि हम कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में भी पिटीशन किया है विषय पर और हाई कोर्ट के निर्णय इस विषय पर आने तक वीवीपैट मशीन की जो पेपर स्लिप है वो सुरक्षित रखी जाए ये हमारी मांग है। वैसे एक दो दिन से मामला चल रहा है लंदन से भी मामला शुरू हुआ है कि ईवीएम हैक की जा सकती है। ये चर्चा का विषय पहले भी था और आज भी है। हमारा तर्क उसमें एक था कि यदि देश की जनता निष्पक्ष चुनाव के नतीजे चाहती है तो चुनाव आयोग एक छोटे से आदेश से सबका भ्रम दूर कर सकती है। अभी कहते हैं कि एक विधानसभा में एक पोलिंग बूथ की वीवीपैट की पेपर स्लिप की गिनती होगी। हमारा तर्क यह है कि यदि एक की जगह सभी की गिनती हो जाए एक दफे आने वाले लोकसभा चुनाव में यदि हर जगह पेपर स्लिप की गिनती हो जाए तो ईवीएम में जो लोग फजूल में या सही में निष्पक्ष का एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो दूर हो जाए। कांताराव जी ने बड़े गंभीरता से बात सुनी है और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के चुनाव आयोग में आपकी ये बातें रख के भेज दूंगा और वहां से निर्धारित अवधि कब तक होती है कब तक रखा जा सकता है वीवीपैट और ईवीएम? देखिए पेपर स्लिप तो उनको अनिवार्य रूप से रखना चाहिए लेकिन ईवीएम मशीन बाहर न जाए इसकी भी हम लोगों ने बात रखी है कि जो ईवीएम मशीन हमारे संभाग में थी वो सुरक्षित रहे जब तक कि कोई निर्णय न हो। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर देखिए एक आदमी के दिल में दिमाग में भ्रम तो पैदा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और यदि गड़बड़ी है उसको हटाने की बात हो तो जो हमारा सुझाव था उसमें यदि अमल हो जाए तो पूरे देश में हर व्यक्ति हर पार्टी का आदमी उससे सुरक्षित रहे। हमारे चैनल का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।